रईस के कत्ल के दो मरकजी मुलजमान आमिना और फरहान, इन दोनों को आज अदालत के अंदर पेश किया गया। और अदालत के अंदर ऐसा हैरत अंगेज वाकया हुआ कि अभी तक आपने ये नहीं सुना होगा, लेकिन जिन लोगों ने ये मंजर देखा है वो हैरत ज़दा हो गए। फरहान ने रईस को बेदर्दी के साथ कत्ल किया, इस बात का एतराफ़ फरहान खुद कर चुका है। फरहान ने रईस को मारा पीटा, मारने पीटने के साथ साथ उसकी लाश को उठा के गाड़ी तक लेके गया, गाड़ी में उसकी लाश को लेके गया और उसकी लाश को जला दिया। यही कहानी थी ना। अब मेरा आपसे कुछ बुनियादी सवालात हैं, उन सवालात के जवाब आपने ज़रूर दे। मैं अगर आपके सामने कॉमन सेंस की एक बात करूँ, अभी मैं आपको बताऊँगा कि अदालत के अंदर क्या हुआ, लेकिन अगर मैं आपसे कॉमन सेंस का एक सवाल करूँगा ना कि एक शख्स की लाश पड़ी हुई और एक बंदा उसको अकेला उठा रहा है और उसको ला के गाड़ी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मेरी दुआ है कि आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब डिलीवरी बॉय कत्ल केस, रईस को जिस तरह से बेदर्दी के साथ कत्ल किया, इस रईस के कत्ल के दो मरकजी मुलजमान आमना और फरहान, इनको आज अदालत के अंदर पेश किया गया। हैरत अंगेज तौर पर जो वहाँ पर एक सूरत हाल देखने को मिली उससे कई चीज़ें वाज़े हो जाती हैं। ये दोनों मुलजमान जो कि मरकजी मुलजमान हैं और एक शख्स को इसने बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया और वहाँ पर भी इनकी जो बदले की आग थी ना वो नहीं बुझ सकी, उन्होंने उसको उसकी लाश को आग लगा दी, उसको नजर आतिश कर दिया, उसको बिल्कुल जला के ख़त्म कर दिया, जितना बेरहमी के साथ उस पर तशद्दुद किया। लेकिन आज मुझे लगा कि शायद फरहान ने तो अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया ना, उसने कहा कि मैंने गैरत के नाम पर कत्ल किया, उसको कहीं ना कहीं कोई नदामत होगी कि किसी के बच्चे को, 23 साल बच्चे को आपने मौत के घाट उतार दिया। आज अदालत में क्या हुआ जना, बड़ी हैरत अंगेज चीज़ हुई। इससे पहले भी आमना और फरहान 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले थे, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा था कि किस तरह का रिमांड है कि भाई इस रिमांड के दौरान आमना हर दूसरे दिन एक नए कपड़े पहन के और थाने के अंदर भी नहीं, थाने के बाहर खुली फिजा में यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दे रही है और अपनी कहानी सुना रही है कि भाई मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। ये दोनों इतने सफाक मुलजमान हैं, क्योंकि अब मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताता हूँ जो कि आपने आज से पहले नहीं सुनी होंगी, जो कि आज सूरत हाल कुछ वाज हो रही है। दोनों मरकजी मुलजमान शुरू दिन से झूठ बोल रहे हैं और बार बार अपना बयान तब्दील कर रहे हैं, ये बार बार अपनी सूरत हाल जो उनके साथ हुई है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आमना तो हर यूट्यूबर के सामने बैठ के कभी रोने, कभी हंसने, कभी फरहान पर इल्ज़ाम लगाना, कभी अपने आप को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना, इस तरह की बातें कर रही है। जिस गाड़ी के अंदर फरहान की लाश, रईस की लाश को लेकर गया था, फरहान ने कहा कि मैंने उसकी लाश को गाड़ी के डिग्गी में रखा और उसके बाद जाके उसको जला दिया। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि फरहान जैसा इंसान रईस जैसे इंसान को उसकी लाश के मरने के बाद उसकी लाश को उठाएगा अकेले और गाड़ी की डिग्गी में ला के रख देगा। रईस के कत्ल के अंदर कुछ और लोग भी मुलव्वस हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि पुलिस उसको सामने क्यों नहीं लेकर आ रही। आज फरहान और आमिना के साथ क्या हुआ, पहले आप ये सुनिए। आज इनको अदालत के अंदर पेश किया गया। वैसे 15 साल हो गए मुझे मीडिया इंडस्ट्री के अंदर, इससे पहले मैंने क्राइम रिपोर्टिंग भी की है, क्राइम शो भी होस्ट किया है, बेतहाशा मैंने क्राइम की स्टोरीज़ को कवर किया है, फिर यूट्यूब करते हुए एक तवील अरसा हो गया है, मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ। कई कई ऐसे लोगों के इंटरव्यू करने पड़ते हैं जो कि आदि मुजरिम होते हैं, उनके चेहरे से पता चल जाता है कि यार इनको अपने जुर्म पर पशेमानी है या नहीं। फरहान और आमना को आज अगर अदालत में पेश किया गया ना, यकीन करें उनके चेहरे पर हल्की सी भी हैरानी और परेशानी वाले जज्बात नहीं थे, उनके चेहरे पर ज़रा सी भी पशेमानी नहीं थी। आप किसी दिन ना ऐसी कोर्ट चले जाएं, अदालत चले जाएं, आपको बेतहाशा ऐसे मुलजमान मिलेंगे। अगर मैं आपको किसी दिन कहूँगा ना कि यार आप मुझसे अब कोर्ट में आके मिलें तो आपके हाथ पैर फूल जाएंगे। उसकी वजह पता है क्या, एक आम इंसान कोर्ट कचहरी और पुलिस के जब चक्कर काटने लगता है ना तो उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। भले उसने कुछ नहीं किया हो लेकिन उसको ये लगता है कि यार मुझे किसी ऐसे काम में तो नहीं फंसा देंगे जो मैंने किया ही नहीं है, जो मुझसे सरजादी नहीं हुआ उस काम में मुझे फंसा दिया जाएगा। आज इन दोनों को जब अदालत के अंदर पेश किया गया ना, आप यकीन करें ये दोनों इस तरह से आ रहे थे कि क्या आदि मुजरिम आते होंगे, इनको अपने किए पे ज़रा सी पशेमानी नहीं है। एक 23 साल का लड़का जला के मार दिया इन्होंने, उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया, उसके साथ तमाम मज़े लेने के बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। ये मियाँ बीवी को ज़रा पशेमानी नहीं थी, इनकी ना नज़रें झुकी हुई थी ना इनकी गर्दन झुकी, ये बड़ी कॉन्फिडेंटली चलते हुए आए हैं और बड़ी कॉन्फिडेंटली चलते हुए गए। मुझे बड़ा आज हैरानी का ये एहसास हुआ कि यार
एक इंसान जो कहता है कि भाई मैंने गैरत के नाम पे किसी को कत्ल किया है, एक औरत ये समझती है कि यार उस बंदे की जान मेरी वजह से चली गई है क्योंकि वो मुझे तंग कर रहा था, मुझे फरहान को बताना नहीं चाहिए था, मैंने बताया उसने गुस्से में कत्ल कर दिया, इसी तरह का बयान दिया ना, उसके जहन में हल्की सी पशिमानी नहीं है यार, उसके चेहरे पर पशिमानी नज़र नहीं आ रही। मुझे इन दोनों के बॉडी लैंग्वेज को देख के ये अंदाज़ा हुआ भाई ये सारी चीज़ें प्लान का हिस्सा थी। एक और दिलचस्प बात मैं आपको बताऊँ, एक और बड़ी दिलचस्प बात, मुझे वाकई में इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि एक बंदे को प्रैक्टिकली सोचे ना आप, बड़े कॉमन सेंस इंसान इस्तेमाल करे, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये कोई थ्रिलर फिल्म ही चल रही। एक बंदे को बेदर्दी इसके साथ मारा जा, बहुत बहुत बुरी तरीके से मारा जा, ठीक है मान लिया भाई मार रहा हूँ उसको, उसके बाद उसको कत्ल कर दिया जाता है। वैसे तो ये बड़े जिगरे वाली बात है, दिल गुर्दा चाहिए होता है किसी की आंखों में आंखें डाल के उसकी जान लेना, ये हम फिल्मों में देखते हैं ड्रामों में देखते हैं, बड़ा ईजी नज़र आता है, लेकिन ये नहीं है, बड़े दिल गुर्दे वाली बात होती है ये। मैं इस सेंस में कह रहा हूँ आपको बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, उसको मार भी दिया होगा भाई, उसकी लाश पड़ी हुई है, ठीक है। अब फरहान अकेला तन तनहा उसकी लाश को अपने पीठ पर लादता है, मोहल्ले में किसी को नहीं पता चलता है, ना नीचे वालों को पता चलता है, ना बराबर वालों को पता चलता है, ऐसा लगता है कि जंगल बेबान में ये लोग रह रहे हैं। ये उसको लेकर आता है उसकी गाड़ी, इस गाड़ी के अंदर उसकी लाश को रखता है और जाके उसको जला देता है। मतलब एक कॉमन सेंस वाली बात होती है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये उन्होंने अकेले किस तरह से किया। फिल्मों के अंदर भी अगर किसी को मारा जाता है ना और मारने के बाद उसकी लाश को लपेटा जाता है तो कम से कम दो लोग तो दिखाए जाते हैं कि एक आगे से पकड़ा होता है और एक पीछे से पकड़ा होता है। ये अकेला फरहान उस रईस की लाश को उठा के गाड़ी के अंदर ले आया, गाड़ी ले जाके इसने उसकी लाश को निकाला और जला भी दिया, और इसके साथ किसी ने कोई हेल्प नहीं। इसके घर के अंदर इसका भाई मौजूद था, इसके घर के अंदर इसका बाप मौजूद था, और बड़ी हैरत की बात है कि किसी को कानों कान खबर नहीं हुई, ना मोहल्ले वालों को ही, ना नीचे वालों को ही। एक बंदा मर गया है घर के अंदर, और इतना कोई हज़ार गज का बंगला नहीं है ये, आपने अगर वो घर नहीं देखा मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा, बड़ा छोटा सा घर है वो, बैल्कनी से बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, बाहर का शोर अंदर नज़र आता है, सुनाई देता है। एक बंदा अंदर मर गया लेकिन बराबर वाले कमरे को नहीं पता। फरहान कह रहा है कि मेरा भाई बराबर वाले कमरे के अंदर मौजूद था, यहाँ पर अगर बच्चा रोता है ना तो बराबर वाले कमरे में आवाज़ चली जाती है, मैं अभी बात कर रहा हूँ तो इस कमरे के बाहर आवाज़ जा रही होगी कि यार मैं क्या बात कर रहा हूँ। एक बंदे को मार दिया, उसकी चीखों पुकार है लेकिन यहाँ पर कोई आवाज़ ही नहीं। कल फरहान ने एक बयान दिया कि दो जो लड़के हैं ना उनको भी गिरफ्तार किया जाए। अब ये दो लड़के कौन है, ये बड़ी दिलचस्प बात है। रईस जो है ना वो अकेला नहीं आया था, वो अपने दो दोस्तों के साथ आया था, उसको पता था कि यार मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा इसमें एक एलिमेंट सिक्योरिटी के साथ साथ ये था कि यार आपने अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप बनाया होता ना जो दूसरा नहीं बना सकता है, तो इंसान उसको फ़ख्री अंदाज में बयान करता, बड़े फ़ख्र से, यार देखो उसकी बीवी को मैंने घेरा हुआ है, अल्लाह माफ़ करे मैं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, कि उसकी बीवी को मैंने सेट किया। लोग इसको देखे ना इंस्पायर हो जाते हैं कि यार देखो इसने क्या काम कर दिया, शादीशुदा औरत को सेट कर, ये उस चक्कर में वहाँ पर आया था। 11:30 से 12:30 के दरमियान ही पूरा मामला हुआ है। 11:30 इनके वालिद साहब घूमने के लिए तो बाहर नहीं निकले होंगे, ना ही रईस का जो फरहान का जो भाई ये घूमने के लिए निकला होगा। इस हवाले से मैं एक और वीडियो बनाऊँगा, आपको पूरी डिटेल बताऊँगा कि उस दिन हुआ क्या था एग्जैक्टली। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।